अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डब्ल्यूटीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स हैदराबाद, कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन ने एक इतला पर बोयनपल्ली के इलाके में अप्पा होटल और टी स्टॉल पर रेड करके वहां से गुटखा, जर्दा और इम्पोर्टेड सिगरेट्स जुमला जब्त किया, जिसकी कीमत 6,13,410 रुपये बताई गई है। और ये बेचने वाले 4 अफराद में से 3 अफराद को किया गिरफ्तार और एक फरार बताया गया है। इनके नाम हैं कट्टी मल्लिकार्जुन 40 साल, सुरेश राम 36 साल, सीताराम 22 साल और जो शख्स फरार हो गया उसका नाम दिनेश कुमार जो 33 साल का है। दिनेश कुमार जो कि राजस्थान का रहने वाला है, वो तेलंगाना में जगड़गिरी गुट्टा में रह रहा है जो कुतुबुल्लापुर मंडल मेडचल मलगिरी में है और वहीं से यह गैरकानूनी बिजनेस चला रहा है। ये गुटखा, तंबाकू और डुप्लीकेट सिगरेट्स बिदर कर्नाटक से लाकर अपनी दुकान पर स्टोर करता था और वहीं से जिन कस्टमर्स को ज़रूरत होती थी उन्हें हैदराबाद में बोयनपल्ली, त्रिमुलगरी, चिलकलगुड़ा मार्केट, लल्लागुड़ा और दूसरे एरियाज में ज़्यादा कीमत पर बेचा करता था। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये सब सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं, जानलेवा हैं। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इनकी गिरफ्तारी श्री पी राधाकिशन राव, DY कमिश्नर ऑफ पुलिस OSD, कमिश्नर टास्क फोर्स हैदराबाद के नागेश्वर राव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स नॉर्थ जोन SLS के श्रीकांत बी परमेश्वर और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम स्टाफ हैदराबाद के सुपरविजन में की। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट।